अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग आज जा रहे हैं घूमने। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए इंटियार गार्डन। तो देखिए आपका यहाँ का व्यू कैसा लग रहा है बताइए। ये है सेक्रेटरी है ये। सेक्रेटेड है और देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है व्यू। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये सेक्रेटेड। सेक्रेटेरिएट कैसा लगा कमेंट्स में हाँ बताइए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाहर का व्यू कैसा लगा बताइए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और देखिए आप रास्ते में बहुत अच्छे प्लांट्स भी हैं यहाँ पर। और ये बोलते हैं इसे टैंगबॉन बोलते हैं देखिए। और आप बताइए ये आपको सब कैसा लगा। इंशाल्लाह मैं आपको और आगे का बताऊंगी। ये रास्ते का व्यू है देखिए आपको। और बताइए आप, रास्ता थोड़ा 1 घंटे का है, हम लोग को ज़्यादा टाइम हुआ लेकिन अच्छा इंजॉय किए हम लोग पार्क में। हाँ बहुत इंजॉय किए हम लोग, और मैं बताऊंगी बहुत आप। हवा आ रही थी, बहुत ठंडा था मौसम। मौसम बहुत ठंडा था और हम लोग को बहुत अच्छा भी लगा बाहर निकल के। और ये देखिए अभी हम एनटीआर पहुंच लोग गए हम लोग। हाँ इंटीआर गार्डन पहुंच गए हैं। ये है बाहर का व्यू। तो ये है अभी गेट है ये, और ये है नाज और मैं हूँ। आप बताइए नाज भी कैसे लग रहे हैं। और ये इंटीरियर गार्डन की गेट है देखिए, यहाँ पर एंट्रेंस लेते हैं यहाँ से। और बहुत काफ़ी बड़ा है ये, उसके सामने ही इसके सामने ही टैंक बॉन्ड है देखिए आप। और ये है हम लोग कभी अंदर एंट्री लेंगे तो यहाँ पर बैग चेकिंग होता है देखिए। और पूरा चेक होने के बाद में अंदर एंट्री देते हैं देखिए आप। और आपके पास कैसा रहता है घूमने के लिए गए तो बताइए आप कमेंट्स में ज़रूर, है ना ना। हाँ जी, यहाँ पर पूरा चेक करने के बाद में ही अंदर, अंदर टिकट मिलती हाँ है फिर। अंदर फिर टिकट मिलती है हम लोग को देखिए माशाल्लाह। अभी हम लोग थोड़ा सा अभी अंदर जा बाहर का रहे व्यू हैं, ले रहे बाहर का हैं। ही है ये। अभी इसके बाद में और अंदर भी है इंशाल्लाह बताएंगे आपको। और देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग काफ़ी दिन के बाद आए हैं, काफ़ी दिन भी नहीं बोल सकते, काफ़ी साल के बाद बोल सकते हाँ बहुत टाइम के बाद आए हैं हम लोग। क्योंकि नाज वो लोग बहुत छोटे थे जब हम लोग आए थे पूर। एनटीआर गार्डन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, हम लोग बिलीव नहीं कर रहे थे कि इतना काफ़ी चेंज हो गया। बहुत अच्छा दिख रहा। नाज बहुत छोटे थे हम लोग जब आए थे, फिर उसके बाद में अभी आ रहे हैं हम लोग। तो इसकी टिकट कितनी थी? और ज़्यादा टिकट नहीं है हाँ माशाल्लाह, इसकी टिकट बहुत कम है, 20 रुपीज़ बड़ों की एडल्ट की है और चाइल्ड की 10 रुपीज़ है। हम लोग बिलीव नहीं करें क्योंकि हर जगह के टिकट्स बहुत ज़्यादा है, 100 के अबाव है हर जगह पर, लेकिन यहाँ पर बहुत कम है टिकट। और आप भी इंशाल्लाह अगर हैदराबाद आए तो इंटीरियर गार्डन को विज़िट कीजिए और बताइए आपको कमेंट्स में के गार्डन सब कैसा लगा आपको। यहाँ से सेक्रेटरीएट दिख रहा था, और अंदर जाने के बाद देखिए आपको थोड़ा सा स्टेप्स भी है वहाँ पर, स्टेप्स जाने के बाद में अच्छा फ़ोटोज़ लेने का तो बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो मैं नाज थोड़े से फ़ोटोज़ भी निकाले हैं और इंस्टाग्राम के भी वीडियो निकाले हैं देखिए हमारे आप। इंस्टाग्राम की आईडी है शाहजहाँ खान 77। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही हम लोग इंशाल्लाह जल्द से जल्द 100K करेंगे। और आप बताइए कि ये ये सब, अंबेडकर का स्टैचू था। हाँ तो ये गार्डन के अंदर से भी दिखता है अंबेडकर का स्टैचू क्योंकि बाजू में ही है, राइट साइड पे वो हाँ भी बाजू है। में ही है। और ये है देखिए इंटीरियर गार्डन में अंदर आने के बाद में, ये सब टिकट्स है। हाँ ये गेम्स है और झूले भी हैं वहाँ पर। तो ये सब के टिकट्स है, ज़्यादा नहीं है, टिकट्स भी बहुत कम है। हम लोग खुद शॉक हो गए कि माशाल्लाह बहुत कम टिकट है यहाँ पर। ज़्यादातर हर जगह पे बहुत ज़्यादा टिकट्स रहते हैं लेकिन यहाँ पर बहुत कम टिकट्स है, ज़्यादा नहीं है। और माशाल्लाह से बहुत फैमिली वाले भी आए थे यहाँ पर, बहुत सारी फैमिलीज़ भी आई थी देखिए आप।
और ये देखिए पूरे प्लांट्स पूरे ट्रीज है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। इंटीरियर्स भी बहुत प्यारा लगाना ना। हाँ बहुत अच्छा था। हाँ बहुत अच्छा लग रहा था, पूरे ट्रीज है यहाँ पर और बहुत अच्छी तरीके से बनाए हैं। देखिए अंदर से ये भी दिख रहा है, सेक्रेटेड भी दिख रहा है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्टैचू भी दिख रहा है। और देखिए हम लोग थोड़ा सा वीडियो निकाले हैं और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और नाज भी देखिए माशाल्लाह बहुत प्रिटी लग रहे हैं, नाज का ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आप कमेंट्स में बताइए कि आपको ये इंटीरियर गार्डन कैसा लगा। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मग़रिब हो रही थी इधर तो और अच्छा, लाइट्स पे खुलने के बाद में और अच्छा लग रहा था ना नाज़ वो। हाँ बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा था। हम लोग को फ्राइडे के दिन ही गए थे, बहुत ज़्यादा पब्लिक भी थी फ्राइडे के दिन। हाँ हम लोग बोले सैटरडे संडे जाएंगे तो फिर काफ़ी भीड़ रहेंगी, हाँ तो फिर हम लोग फ्राइडे का प्लान करें तो हम लोग की फैमिली और मेरे कज़न्स भी थे, हम लोग पूरे मिल के गए थे वहाँ पर, तो हम लोग थोड़ी सी वीडियो निकाले हैं। उन लोग भी थे हम लोग के साथ, हम लोग सब थे माशाल्लाह, बहुत इंजॉय किए। और ये देखिए पूरे प्लांट्स है, ग्रीनरी तो बहुत प्यारी है। हाँ बहुत ब्यूटीफुल प्लांट्स है, कितने ब्यूटीफुल है कलर्स के, देखिए आप। बहुत अच्छा है फ़ोटोज़ लेने के लिए, वीडियो लेने के भी लिए बहुत अच्छा है पार्क, ये इंजॉय भी कर सकते फैमिली के साथ। आइए आप लोग भी इंशाल्लाह, आप भी विज़िट कीजिए, आइए आप भी और बताइए कमेंट्स में कि आपको ये एनटीआर गार्डन कैसा लगा और यहाँ का पूरा डेकोरेशन, यहाँ का प्लांट्स और ग्रीनरी सब कैसी लगी है ज़रूर बताइए कमेंट्स में। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मगरिब हो चुकी थी है ना ना। हाँ देखिए पूरे लाइट्स भी खुल गए हैं यहाँ पर माशाल्लाह, बहुत अच्छा डेकोरेशन किए हैं देखिए आप, बहुत अच्छा लग रहा है। सेक्रेटेरिएट भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से अंदर से, हम लोग सोचे नहीं थे अंदर से भी दिखेगा बोलकर। लेकिन अंदर से भी माशाल्लाह हाँ बहुत अच्छा लग रहा था पार्क के अंदर से भी दिख रहा था, और कई लोग आते हैं बाहर से भी आते हैं। बहुत सारे जने फोटोज ले रहे थे, टूरिस्ट भी आए थे वहाँ हाँ पर, टूरिस्ट भी बहुत स्कूल आते के बच्चे हैं भी आए थे। जी, स्कूल के बच्चे टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर। और हाँ बहुत बच्चे भी वहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छा है यहाँ का पूरा गार्डन बोल के बोल रहे थे देखिए। और माशाल्लाह सही भी है भी अच्छा, बहुत हम लोग को भी बहुत प्यारा दिखा क्योंकि हम लोग भी काफ़ी साल के बाद आए हैं यहाँ पर। और थोड़े से मैं नाज भी वीडियो निकाले हैं, नाज ही निकाल रहे थे पूरी वीडियो और थोड़ी सी फिर बाद में मैं थोड़ी ली हूँ वीडियो। और माशाल्लाह नाज पूरी वीडियो बहुत अच्छी लिए हैं, आप कमेंट्स में बताइए कि आपको नाज भी कैसे लग रहे हैं और यहाँ की ग्रीनरी सब कैसी लग रही है। बहुत अच्छी बोती है यहाँ की ग्रीनरी। और ये देखिए अब यहाँ पर 7 ये बज रात का चुके व्यू हैं, है, रात का व्यू है, थोड़ा अंधेरा हो चुका है तो ये पूरे लाइट्स खुले हैं यहाँ पर देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है देखिए। और आप आराम से वहाँ पर बैठने के लिए भी प्लेस है, आप जितना चाहे उतना फिर भी सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, अच्छा बहुत ज़्यादा फिरे फिर उसके बाद में पैर दर्द होने लगे तो फिर हम लोग एक जगह थोड़ा बैठे, थोड़ी देर थोड़ा बैठे, रेस्ट करे, फिर रेस्ट करने के बाद में फिर हम लोग फिर वीडियो बनाने के वीडियो लिए। बनाए, फिर झूले के पास भी गए, वो भी बताएंगे आपको। वहाँ के झूले भी बहुत माशाल्लाह अच्छे थे लेकिन मुझे झूलों से बहुत डर लगता है और नाच को भी बहुत डर लगता है, तो हम लोग खाली इंजॉय किए देखे लेकिन बैठे नहीं है हाँ ना हम लोग नाच। नहीं बैठे, हमारे कजन्स बैठे, हम लोग को बहुत डर लगता है झूलों से। मैं बहुत पहले शुरू में बैठी थी, मैं बैठी नहीं झूलों से, पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है। जी हाँ मेरे को मम्मी को डर लगता है, हम लोग झूले में बिल्कुल भी नहीं बैठते। मैं नाज गेम्स खेले वहाँ पर हाँ माशाल्लाह, बहुत गेम्स गेम्स खेले, थे ना नाज हाँ वहाँ गेम्स पर, खेले, शॉपिंग भी किए हम लोग शॉपिंग वहाँ पर, किए। हाँ बैंगल्स वे भी लिए, इंशाल्लाह मैं बताऊँगी और आपको। खाने का भी अच्छा था वहाँ पर बहुत। हम लोग थोड़ा सा लाइट वहाँ पर खाए भी और आइसक्रीम भी खाए। हाँ आइसक्रीम भी खाए। हाँ और हम लोग गेम्स खेले, हम लोग झूलों में तो नहीं बैठे, मेरे कज़न्स जो भी आए थे
नास के फ्रेंड्स जो जो भी मेरे कज़न्स हैं उन लोग सब बैठे, हम लोग बोले भी फोर्स करे हम लोग को, लेकिन हम लोग बोले नहीं हम लोग नहीं बैठते। फिर वो लोग जाके अच्छा एंजॉय किए, खाली हम लोग उन लोगों को देख रहे थे। हम लोग अलग गेम्स खेल रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे। हम लोग अलग गेम्स खेल रहे थे, शॉपिंग भी किए हम लोग। और ये भी झूला ही है पानी का कुछ। और ये देखिए तो ये था रात का व्यू, और कैसा लगा ज़रूर बताइए। तो अब हम लोग जा रहे हैं गेम्स के पास, गेम्स खेलने के लिए और झूले झूलने के लिए। वहाँ पर आगे खाना खाने के लिए अब हम लोग जा रहे हैं। तो ये है गेम्स और झूले, और वो डेंजर रूम्स भी थे वहाँ पर। डेंजर रूम्स मीन्स हॉरर कुछ बताते हैं, वहाँ पर उसकी भी टिकट थी। तो हम लोग भी नहीं गए, हम लोग बहुत पहले गए थे हम लोग वहाँ पर। तो बहुत भयानक अंदर रहता है, एकदम हॉरर, और बच्चों को भेज नहीं सकते। लेकिन कई काफ़ी लोग हॉरर हाउस बोलते हैं उसे, वहाँ पर भी कई लोग जा रहे थे। लेकिन हम लोग बहुत पहले गए थे, लेकिन उसमें कैसा रहता है, बहुत हॉरर चीज़ रहती है वहाँ पर। पूरे वहाँ पर चेंज लगे हुए, हॉरर फेसेस रहते, इसीलिए हम लोग डर गए थे। तो इसीलिए उसके बाद में हम लोग नहीं गए, मम्मी गए थे जब मैं मैं गई थी। उसके बाद से फिर मैं नाज को भी मना की, नहीं नाज वो मत जाओ, उसके बदले में कुछ गेम्स वही खेलो। तो नाज यहाँ पर गेम्स खेले, देखे यहाँ पर। तो ये हम लोग गेम खेले, ये वाली गेम 100 वाली थी जो बॉल्स वाली, मम्मी गेम खेल रहे थे। तो 100 रुपीज़ की गेम थी, तो वो हम लोग गेम्स खेले हैं। और थोड़ा सा परचेसिंग भी किए हैं यहाँ से, बैंगल्स वे भी लिए हैं। और थोड़ा सा हम लोग लाइट डिनर, थोड़ा कॉस्टली लगा अंदर का चीज़। बाहर उतना जो भी है टिकट्स वो कम है, लेकिन अंदर का जो भी परचेस करने का है। अब एक गेम वहाँ पर 100 रुपीज़ से स्टार्ट है हर गेम, है ना ना। कुछ भी खेलो आप, जो भी खेलना चाहे, लेकिन वो 100 रुपीज़। बट कॉम्प्लीमेंट गिफ्ट भी दिए थे उन लोगों को। तो देखिए ये मैं खेल रहे हैं। बहुत अच्छा खेले, फर्स्ट में नहीं लगा बट दूसरे में लगता, सेकेंड में लगा है। तो देखिए ये मेरी कज़न है जो बैग लिए हैं, और आप देखिए ये सेकेंड में मेरा लग चुका था, लेकिन पूरे कंप्लीट गिरना था। ग्लासेस तो दो ग्लासेस बच गए थे, तो मुझे कोई और चीज़ मिली है गिफ्ट में, है ना ना। हाँ गिफ्ट में अगर वो पूरे गिर रहे तो फिर कुछ अच्छा सा गिफ्ट था वहाँ पर, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो उसके बदले में कुछ और मिला है, क्योंकि दो अभी ग्लासेस बाकी थे। तो फिर हम लोग फिर एक और एक गेम खेले वहाँ पर, दो तीन गेम्स वे खेले नाज वो लोग भी। हर गेम समझिए 100 रुपीज़ का ईच गेम, 100 जो भी खेलना है आपको 100 रुपीज़ में खेलना है वहाँ पर। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा हम लोग को भी। बहुत दिन के बाद हम लोग निकले थे घूमने के लिए, क्योंकि कज़न्स वो आए थे, तो सब प्लान किए थे कि चलो आज जाएंगे। तो ये वाला लिए थे हम लोग कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट में ये मिला हम लोग को। ये वाला भी कुछ कॉइन का गेम था बोल के बताए, बकेट वाला। तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे निकले, और यहाँ पर देखिए शॉप्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर गन के शॉप के, हाँ वो भी था, देखिए ये भी खेले हैं। और देखिए आप यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और ये हॉरर जोन देखिए, ये है हॉरर जोन बोलते हैं इसे, डेविल है ना वो, डेविल लिखा, डेविल्स टेन लिखे हुआ है यहाँ पर। तो शैतानी कुछ ऐसा मतलब हॉरर चीज़ बताते हैं वहाँ पर भी जाके। तो हम लोग तो नहीं गए हैं, देखिए आप माशाल्लाह अंदर का देखिए व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। और ये पूरा बच्चों के लिए भी है बैठने के लिए, अंदर ही है ना नाज़ी। हाँ, बच्चों में थोड़ा सा ये गाड़ी पे बैठकर खाना खाते लोग वहाँ पर, वहाँ पर मतलब कार्स है, खाने का है जी। तो रात में जो भी है डिनर जब भी जाते हैं, तो ये बैठने के लिए जैसा कि टेबल्स वे रहते हैं, वहाँ पर टेबल्स नहीं है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से कार सिस्टम है यहाँ पर, एक 4-5 कार्स है, मतलब डाइनिंग टेबल जैसा। हाँ डाइनिंग टेबल जैसा कार्स बनाए हैं, तो वहीं पर बैठ के जो भी ऑर्डर करते हैं तो वही वहाँ से वहाँ पर बैठ के खाते। देखिए आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और आप भी विज़िट कीजिए, और आप भी आइए NTR गार्डन।
और आप बोलिए आप सबको ये सब कैसा लगा और ये कार्ड्स भी कैसे लगे। डाइनिंग कार्ड्स बोलिए, मतलब कहाँ बैठ के खाते हैं इसमें, डाइनिंग हॉल जैसा डाइनिंग टेबल रहता है तो वहाँ पर ये कार्ड्स रहते हैं। और तो देखिए फिर बाद में सब खाने के बाद में नाज गए थे आइसक्रीम लेने के लिए, है ना नाज, बोलिए आप। आइसक्रीम लेने के लिए गए थे। यहाँ पर छोटे बच्चों के झूले भी थे, गोल गोल राउंड वाले। यहाँ पर भी था हॉन्टेड रूम बोलकर, लेकिन कोई भी हॉन्टेड रूम में तो नहीं गए, फिर छोटे बच्चे गए थे, दूसरे लोग। दूसरे लोग गए थे लेकिन हम लोग तो नहीं गए, हमारे पास से कोई भी नहीं गए थे। और ये बच्चे झूले झूले हैं, और फिर खाने के बाद में थोड़ा सा फिर लोग आइसक्रीम लेने के लिए गए थे। ये देखिए हॉरर जोन में भी जा रहे हैं बहुत काफ़ी सारे लोग, लेकिन हम लोग नहीं गए हैं। और ये है देखिए हॉरर जोन जो पूरा ट्री में बने हुआ है, झाड़ के अंदर बनाए हैं हॉरर जोन। और कभी भी आप अगर जाएंगे तो हॉरर जोन को भी ज़रूर जाइए, वहाँ पर देखिए आपको कैसा लगा वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। फिर हम लोग यहाँ पर आए, बैंगल स्टोर आए हैं देखिए, और यहाँ पर बैंगल बैग्स हर चीज़ थे इधर तो। और गेम खेलने का था तो यहाँ पर गेम भी खेले हैं देखिए आप, ये यहाँ पर गेम खेलने का था तो फिर यहाँ पर थोड़े से बैंगल्स थे तो हम लोग बैंगल्स भी लिए हैं। और आप बताइए कि आपको ये सब बैंगल्स बैग सब कैसे लगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और आप बताइए कि ये NTR गार्डन कैसा लगा आपको, अगर आप कभी हैदराबाद आएंगे तो ज़रूर विज़िट कीजिए। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको सब ये कैसा लगा है। और ये देखिए गोल्डन में भी बैंगल्स थे और ये डेली वेयर के भी बैंगल्स थे, बहुत अच्छे थे डेली वेयर के बैंगल्स। तो हम लोग थोड़े कम में भी थे और थोड़े हैवी रेट के भी थे, प्राइजेस भी बहुत कम थे और ज़्यादा नहीं 50 रुपीज़ में थे समझिए, और थोड़े ये थोड़े जो हंड्रेड वाले भी थे तो हम लोग 50 रुपीज़ वाले ही ज़्यादा लिए हैं इसमें। और डेली वेयर के है ये सब, और पार्टी वेयर के भी थे, ज्वेलरी भी थी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लिए हैं हम लोग भी 50 रुपीज़ के बैंगल्स पर। और ये भी कुछ गेम था वाटर का, 50 वाला था ये वाला तो गेम। ये भी गेम्स वे देख के आए, नाजो लोग गए थे गेम देखने के लिए और ये भी अच्छा लगा बोले हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर खेलने के लिए थे ना नाज, 100 रुपीज़ में खेलने के लिए गेम्स हुए थे ज़्यादातर। और ये बताइए आपको ये सब कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर। तो ये ज्वेलरी थी उनके पास, ये स्पेक्स थे, सनग्लासेस थे उनके पास, और ये बैग्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ज़्यादा कॉस्टली बोल रहे थे हम लोग, बोले भी कम करने के लिए 350 बोले लोग, तो हम लोग थोड़ा सा कम करने के लिए, लेकिन वॉचेस भी ज़्यादा कॉस्टली थे इसमें और बैग्स भी अच्छे थे और स्पेक्स भी 150 बोलकर बोले। स्पेक्स भी कम ही में थे, स्पेक्स कम रेट के लिए ज़्यादा नहीं थे, वो अच्छे थे। और बाकी के थोड़े बहुत चीज़ें कम में भी मिले हैं, थोड़े बहुत कॉस्टली वाले थे वो भी, एक दो ही कॉस्टली वाले जो थे हम लोग ज़्यादा नहीं लिए, एक दो ही लिए हैं। वो बैंगल्स बहुत अच्छे मिले हम लोग को, कम रेट में मिले तो बहुत ज़्यादा हम लोग बैंगल्स ही लिए हैं डेली वेयर के लिए। और ये देखिए यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए भी ये राउंड झूला जो आता है बाइक का आता है, या फिर देखिए इधर साइड पे है बाइक का झूला जो छोटे से बच्चे हैं, कप जैसी रहती है कप के वैसे ही उसमें छोटे से बच्चे बैठे हैं। और बताइए आपको ये भी झूला कैसा लगा आपको, है ना ना, छोटे बच्चों के लिए छोटा सा कप्स के तरह रहता है क्योंकि सपोर्ट रहता है बच्चों को। और हम लोग थोड़ा सा टिफ़िन में पूरे जाम जो बोलते हैं वो लाली लेकर आए थे हम लोग, कट करके पूरे जाम के पीसेस, और उसको पेरू भी बोलते हैं, जाम भी बोलते हैं। और आपके पास क्या बोलते हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इसके बाद हम लोग सैंडविच लेकर आए हैं, और सैंडविच के बाद फिर आइसक्रीम लाए हैं देखिए आप। कुछ सैंडविच हम लोग 50 रुपीस में लिए थे, ये वाला अच्छे टेस्टी थे ना ना सैंडविच। सैंडविच लिए हैं थोड़े से और फिर आइसक्रीम भी लिए हैं हम लोग। कैसा था, थोड़े से चीज़ का मतलब थोड़े से
शॉप्स पे रेट्स कम था, थोड़े से शॉप्स पे रेट ज़्यादा था, तो अपने को जो हिसाब से बराबर लगा वो हम लोग लिए हैं। हाँ। ऐसा किए हैं। ये मैं बैठी हूँ यहाँ पर आइसक्रीम खाते। और बताइए आपको ये सब गार्डन सब कैसा लगा और नाच भी कैसे लगे ज़रूर बताइए। तो अब हम लोग झूलों के पास जाएंगे, लोग झूले झूलते बोलकर बोल रहे थे, तो हम लोग बताएंगे आपको आगे का। देखिए तो हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करे, मैं मम्मी गेम्स के लिए। और यहाँ पर चलते चलते हम लोग के पैर बहुत दर्द हो रहे थे। हाँ। तो फिर लोग झूले में बैठेंगे बोल कर गए सब, तो हम लोग बोले ठीक है आप लोग झूलों में बैठिए, हम लोग बैठते हैं बोल के वहाँ पर बैठ गए थे। थोड़ी देर बैठ गए थे वहाँ पर, तो यहाँ पर सब झूले झूल रहे थे। देखिए आपको बहुत अच्छे झूले थे, कितने ढंग जा रहे ये झूले, बहुत एकदम तेज़ फिरते हैं, मुझे भी समझ में नहीं आता। तो ये लोग जो बच्चे बैठना चाहे वो सब बैठे थे, मैं नाच तो आराम से एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को देख रहे थे खाली। हाँ, बहुत चीखा मार रहे थे लोग, पूरे आवाज़ें फुल आवाज़ें कर रहे थे पूरे। और देखिए ये भी कितना डेंजरस लग रहा है झूला, देखिए ये वाला, देखिए पूरा राउंड ऊपर जाके आता है ये भी। और आप भी बताइए कि आपको झूलों में डर लगता है या आप भी इंजॉय करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए, है ना। और ये देखिए यहाँ पर भी देखिए पूरे झूले हैं माशाल्लाह, बहुत सारे लोग भी हैं, पूरे फैमिली के साथ भी हैं यहाँ पर, सब अच्छा एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। हम लोग भी बहुत एंजॉय किए, देखिए हाँ हम लोग बहुत एंजॉय किए, बहुत अच्छा था हम लोग का डे वो। बट फ्राइडे के दिन भी गए थे, बहुत ज़्यादा हम लोग समझे फ्राइडे के दिन, सैटरडे संडे जाएंगे तो पब्लिक बहुत ज़्यादा रहेंगी, फिर घूमे वैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी फ्राइडे के दिन भी बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। और ये देखिए छोटा सा क्या है, स्विमिंग पूल की तरह है, ये भी छोटे बच्चों के लिए है। देखिए वो वाला झूला देखिए आप लोग कितना राउंड राउंड ये वाला देखिए राउंड पूरा गोल फिरता है, उसमें बैठने के बाद पूरा गोल फिरता है, हाँ पूरा राउंड राउंड होता है। और आप ऐसे झूले में बैठना पसंद करेंगे क्या, बोलिए आप, और आपको अच्छा लगता है क्या, ये भी बोलिए आप। हम लोग तो नहीं बैठते, हम लोग को बहुत डर लगता है झूलों में बैठने के लिए। और यहाँ पर देखिए ये छोटे से बच्चे हैं, जैसा कि 4-5 साल के बच्चे बैठ सकते हैं इसमें। वाटर है, ये पानी के अंदर थोड़ा सा छोटी सी बोर्ड है, बोर्ड है वो बच्चों की, साइकिल के जैसा, साइकिल पैंडल की तरह रहा है इसमें, तो वो छोटे से बच्चों के लिए है। वो बच्चे बहुत बैठे थे, इंजॉय किए हैं बच्चे भी छोटे से। देखिए आप कितने डेंजर झूले भी है यहाँ पर। और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, मतलब पूरा डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था, यहाँ का ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है। हाँ, छोटे बच्चों के लिए साइकिल्स भी थे वहाँ, हाँ, पर ड्राइव करने के लिए बाइक्स थे, देखिए छोटे से कार आते ना वो भी थे वहाँ पर, हाँ वो भी चला रहे थे नाना, हाँ, वो भी थे। और बड़ों के लिए भी वो जो साइकिल पर ठहर के चलते हैं ना, वो भी थे बड़ों के लिए भी थे वो भी, और कई सारे वो भी बैठे हैं, मेरे कज़न्स भी बैठे थे इस पर। और देखिए ये रात का है, ये पूरा रात में 8 बज रहे थे नाना। हाँ हम लोग फ़ोटोज़ भी लिए थे वहाँ पर, एक फ़ोटो फुल फ़ोटो 100 रुपीज़ की थी, तो हम लोग पूरे फैमिली के साथ एक फ़ोटो भी लिए हैं वहाँ पर। और माशाल्लाह से आप भी आइए, आप भी हैदराबाद आए तो इंटीआर गार्डन को ज़रूर आइए। ज़्यादा टिकट भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ 20 एडल्ट है, चाइल्ड के 10 रुपीज़ ही है, दूसरे गार्डन में इतना कम नहीं रहता है, बहुत कम है यहाँ पर। और अंदर भी बहुत अच्छा डेकोरेशन है, पूरा अच्छा ग्रीनरी है, झूले है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप आइए आप इंजॉय कीजिए। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये सब कैसा लगा, और बताइए आपको इंटीआर गार्डन कैसा लगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, 100K कीजिए जल्द से जल्द। और आप बताइए कि ये सब कैसा लगा आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आप सपोर्ट करेंगे तो ही मेरा चैनल आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।